नमस्कार, ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज फिर से मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबके लिए लेकर आई हूँ केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त। आज कोहबर की शर्त का 13वां भाग है। 12वां भाग में आपने सुना, जो 12वां भाग था वो शोक में भाग हिस्सा था इस उपन्यास का, बहुत दुखद हिस्सा था, जिसमें जमीन विवाद में तिवारी जी उर्फ काका की मृत्यु हो जाती है। पूरा गांव, जो आसपास के लोग हैं, सारे शोक में डूब जाते हैं इस अचानक से उनके देहांत से। अब आगे, काका का श्राद्ध क्या हुआ जैसे गौजी यज्ञ हो। ओंकार के लाख मना करते रहने पर भी गांव के लोगों ने आटा, चीनी, घी, दही, तरकारी और कपड़े से भंडार घर भर दिया। गांव तो गांव, पास पड़ोस के गांव वाले ब्राह्मण भी इस श्राद्ध में न्योते गए। अन्य गांव के खाने वाले ब्राह्मणों को जामुन वाली परती में बिठाया गया। ब्रह्मभोज खाने वालों से परती खचाखच भर गई। ब्राह्मण खाते गए, हल्दी से रंगी गमछी दक्षिणा में लेते गए। दूसरे गांव के लोग अचरज करते, अड़ोस पड़ोस के गांव में ऐसा श्राद्ध तो आज तक किसी का नहीं हुआ था। बलिहार वालों ने 20 बिगहवा में कथकी दूने उत्साह से बोई। अचलगढ़ का ठाकुर पकड़ा गया था, उस पर मुकदमा चला, सजा हुई और सदा के लिए जेल में बंद कर दिया गया। काका की मौत से उगते हुए बिरवे ओंकार और चंदन पर जैसे पाला पड़ गया। गृहस्थी के कार्यों का सारा ओज उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया। ओंकार और भी अकेलापन अनुभव करने लगा। गृहस्थी के कामों में अनुभव की सीख और सही राय देने वाला अब कोई नहीं रहा। काका कुछ नहीं करते थे, फिर भी खंड में बैठे तो रहते थे। द्वार अकेला नहीं रहता था, माल गोरुओं को सानी पानी चला देते। बिना कहे ओंकार काम से कहीं भी निश्चिंत होकर चला जाता था। काका के बाद वो भीतर से उखड़ सा गया। मौके बेमौके किससे राय पूछे, किस पर गोरु और खंड छोड़ कर जाए। बाहर के जिस काम को दोनों भाई एक साथ चुटकी बजाकर पूरा कर लेते, उसे अब एक को ही करना पड़ता। श्राद्ध के लगभग 1 महीने बाद वैद्य जी फिर आए। रूपा से उन्होंने गुंजा के ब्याह की चर्चा चलाई। बाबूजी, अभी तो काका को मरे 1 महीना भर हुआ है, मैं उनसे कैसे बातचीत करूं? रूपा ने कहा। लेकिन बेटा, गुंजा सयानी हो चली है, जरा हमारी ओर से भी तो सोचो। मैं क्या करूं बाबू, तुम दोनों घर के मालिक हो। काका की जब तक बरखी ना हो जाएगी, तब तक घर में कोई भी शुभ काम कैसे होगा? हाँ, ये तो मैं भी समझता हूँ रूपा, लेकिन कल का ठिकाना नहीं। मान लो किसी कारणवश ओंकार राजी ना हुए, तब तो मेरे लिए ये साल बिल्कुल बेकार हो जाएगा ना, और घर देख नहीं पाऊंगा, ये घर भी चला जाएगा, फिर सयानी बेटी की बाढ़। ऐसे कैसे होगा बाबू, जितनी चिंता गुंजा की तुम्हें है, उससे अधिक हमको अपनी गृहस्थी की है। बहिन अगर देवरानी हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा सुख क्या होगा? चंदन हमारा, गुंजा हमारी, साल भर बाद काका की बरखी हो जाने दो, फिर जैसा कहोगे वैसा ही होगा। रूपा ने अपने पिता को आश्वासन दिया। वैद्य जी सुख की सांस लेकर चौबे छपरा चले गए। सारी खेती का भार चंदन और ओंकार पर पड़ गया। धीरे धीरे काका की मौत का अवसाद मन से उतरने लगा। 4-5 महीने बीत गए। घर की डावाडोल स्थिति काफी संभल गई थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि ओंकार और भी चिंतित हो उठा। रूपा 2-3 महीनों से गर्भवती हो चुकी थी। इस बार उसका स्वास्थ्य गिरने लगा था। गर्भवती होने के 1 महीने भर बाद ही उसकी देह पीली पड़कर हल्के हल्के सूज गई। रामू और गृहस्थी के काम दोनों को संभालना बेहद कठिन होने लगा। 2-3 महीनों बाद उसे अक्सर बुखार आने लगा, देह एकदम कमजोर हो गई। अंत में वैद्य जी को खबर दी गई। बेटी की ये दशा देखकर वैद्य जी ने माथा पीट लिया। बगल में खड़े होकर ओंकार से बोले, जवार भर के लोगों की दवा मैं करूं और मेरी ही बेटी की ये हालत? इस समय भी मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? जो मन में आता वो करते जाते। वैद्य जी का मन क्रोध से भरा हुआ था।
मेरा बस चला होता वैद्य जी तो मैं इसको चौबे छपरा ही पहुँचा आया होता। मैं बार बार आपके पास आदमी भेजने को तय करता पर हर बार ये मना कर देती थी। ओंकार ने रूपा की ओर देखते हुए कहा, पर घर के मालिक तुम हो ओंकार, अपना भला बुरा तुम्हें समझना चाहिए। अब बताओ ना मैं क्या करूं? ये चौबे छपरा जाने लायक नहीं है। यहाँ दवा पानी देने में तनिक भी गड़बड़ी हुई तो बीमारी वश से बाहर हो जाएगी। वैद्य जी की आवाज में थोड़ी चिंता थी। नहीं, आप ले जाना चाहें तो मैं आज ही पालकी ठीक कर दूंगा। अच्छा, फिर तुम लोगों को यहाँ कौन देखेगा? जब ब्याह नहीं हुआ था तो हमें कौन देखता था? ओंकार ने जवाब दिया। तब की बात और थी ओंकार, उस समय केवल भोजन बनाने की ही चिंता थी। अब तुम्हारा एक पैर चौबे छपरा में रहेगा, फिर इस बसी बसाई खेती गृहस्थी का क्या होगा? वैद्य जी ने कहा, यहाँ रहकर भी तो अब ये कुछ करने धरने लायक नहीं रही है वैद्य जी। ओंकार ने कहा, हाँ पर इसे यहीं रखो, मैं रोज आऊंगा रसोई पानी के लिए। गुंजा को जाकर चंदन ले आए या मैं ही कल अपने साथ लेता आऊंगा। वैद्य जी दवा देकर तथा परहेज की बातें अच्छी तरह समझाकर चौबे छपरा लौट गए तो ओंकार खाट पर लेटी रूपा के सिर पर हाथ धरकर बैठ गया। आंखें आशंकित हो किसी गहरी चिंता के अतल सागर में डूब गईं। दूसरा दिन वैद्य जी गुंजा को अपने साथ लेते आए। गुंजा को रसोई पानी तथा भीतर गृहस्थी के कामों को संभालने में देर नहीं लगी। घर तो उसका जाना पहचाना ही था, बाहर माल गोरु तथा खेती के काम में चंदन जुट गया। ओंकार का एक पैर भाई को सहारा देने में बाहर रहता तो दूसरा पैर बीमार पत्नी की देख रेख में रहता। 15-20 दिन के बाद रूपा की हालत कुछ सुधरी, देह की सूजन कम होने लगी। ओंकार प्राय रूपा के पास ही बैठा रहता। रूपा कुछ अच्छी होने लगी तो एक दिन बोली, मेरे पास बैठे रहने की क्या जरूरत है जी, सारा भार चंदन पर पड़ गया है। अभी वो बांस की कोपल है, ध्यान नहीं रखोगे तो मुरझा जाएगा। और तुम? ओंकार हंसते हुए बोला, मैं? रूपा भीतर से प्रसन्न हो किंतु ऊपर से बनावटी स्वर में बोली, मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरा ब्याह कर लोगे, बीतेगी तो मेरे बेटे पर। अब क्या ब्याह? ओंकार ने बात बीच में ही छोड़ दी। ए पहुना, गुंजा बीच में ही बिगड़ पड़ी, यहाँ बैठ के यही सब अशगुन भागना है तो जाओ द्वार पर, यहाँ काहे बैठे रहते हो? तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर? रसोई दवा पानी के लिए मैं घर में ही हूँ तो तुम हर घड़ी घर में ही काहे पड़े रहते हो? चलो जाओ द्वार पर। बाहर दौरी औसान की भीड़, घर में बीमार पत्नी, दोनों की भीड़ में ओंकार रुई की तरह धुन गया था। ये तो चंदन था जो बाहर का सारा काम अकेली देह पर रोके हुए था। बाहर चंदन, भीतर गुंजा। किंतु सब कुछ निपट गया। दवरी ओसावन होकर अनाज घर में चला आया, भूसा खूप में भूसुल में भर दिया गया। ओंकार ने कुछ चैन की सांस ली। जेठ बीत चला, रूपा की तबीयत काफी सुधर गई, देह की सूजन खत्म हो गई, पीलापन बहुत हद तक दूर हो गया। वो चलने फिरने लगी, खाना पचने लगा। वैद्य जी ने अपनी बेटी को बचा लिया था। उसी समय किसी गांव से चंदन के देखनहरू आए। देखनहरू से तात्पर्य है विवाह के लिए जो लड़का देखने आते हैं वर को। ओंकार कहीं गया था। चंदन खंड में गाय बैलों को खिला पिला रहा था। इधर उधर की बातों के बाद वे काका की मौत की घटना पूछ रहे थे। चंदन अनमने भाव से उत्तर दे रहा था, तो बबुआ काका का सारा हिस्सा तो तुम्ही लोगों को मिला होगा ना? उस देखनहरुओं में से एक ने पूछा। चंदन बिगड़ गया, आप लोग किस मतलब से आए हैं? हमारे घर का भेद पूछने वाले आप लोग होते कौन हैं? उसी वक्त ओंकार आ गया। ओंकार से लोगों ने खुलकर बातें की, ब्याह की बात चली, चंदन की कुंडली की नकल मांगी गई। ओंकार घर आया, रूपा से बात बताई तो रूपा बोली, अभी कहीं से भी ब्याह की बात न चलाओ, काका की बरखी हो जाए तब इसकी चर्चा उठेगी। लेकिन कुंडली की नकल देने में क्या हर्ज है? देखनहरू बहुत धनी घराने के हैं, ओंकार ने कहा। गुंजा खंबे की ओर से खड़ी चुपचाप सुनती रही।
धनी घराने के हों चाहे रजवाड़े के हों, अभी कुछ नहीं होगा, जाओ उनसे कह दो, रूपा ने आदेश नुमा स्वर में कहा। ओंकार वापस लौट गया। ओंकार का बाहर निकलना था कि गुंजा धरती पर बैठकर चारपाई पर बैठी हुई रूपा की गोद में मुंह छिपा अनायास ही सिसकने लगी। गोद में मुंह छिपाए बहन की भरी हुई आंखें बड़े दुलार से ऊपर उठा रूपा ने अपनी आंचल से पोंछ दी। ये क्या रे, रोती क्यों है तू? जो चाहती है वही होगा, चंदन ही तेरी मांग भरेगा, रो मत। मेरी ओर देख गोरा, तेरे भोले बाबा ही बारात लेकर आएंगे, और हंसती हुई रूपा गुनगुनाने लगी। गुंजा का उतरा मुंह खिलकर लाल हो गया कि तभी चंदन आ गया। किसके ब्याह के गीत गा रही हो भौजी, चंदन ने पूछा। तेरे? रूपा ने हंसते हुए जवाब दिया। मेरे? चंदन का ब्याह तो कुंडली में लिखा ही नहीं है। काहे रे, खाएंगे गेहूं नहीं कि रहेंगे एहूं, कि बिनु गौरा रहो कुवार हो। हंसती हुई रूपा ने एक कड़ी और गा दी। इस समय तो बड़ी भूख लगी हुई है, उठो ना, दोगे कुछ खाने को, चंदन ने कहा। तभी गुंजा ने पीछे से चंदन के आगे छोटी सी दलिया में टटका भुजना और गुड़ रख दिया। धरती पर बैठे हुए चंदन ने एकाएक ऊपर देखा तो गुंजा को अपने सिर पर झुका हुआ पाया। देख लो भौजी, तुम कहती हो कि, गुंजा ने पीछे से चंदन का मुंह दबा दिया। चंदन चुप लगा गया। एक से एक बढ़के हैं, रूपा हंसती हुई बोली। अब छोड़ उसका मुंह। किंतु चंदन ने गुंजा के हाथ में तनिक कस कर चिकोटी काट दी। गुंजा झमक कर हाथ झाड़ती हुई बोली, दे तेरे कसाई की, तनिक भी दया माया नहीं है। पानी लाओ पानी, चंदन ने आवाज लगाई। हाथ काटो तुम, पानी लाओ मैं, उठ के लोटा मांजो और पानी ले लो। चंदन सचमुच को उठने लगा तो खड़ी हुई गुंजा ने बैठे हुए चंदन के दोनों कंधे दबा दिए। रूपा देखकर हंसती रही। चंदन भुजना चबाता रहा और पीछे दीवार के सहारे खड़ी हो गुंजा पूर्वतया मुस्कुराती रही। उपन्यास का 13वां भाग यहीं तक। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।